अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतिया बानो है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो भी अडल्ट रिलेटिव्स हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं या आपके बहन भाई या कुछ ऐसे लोग जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो कैसे यूके में आकर आपके साथ एज अ फैमिली मेंबर रह सकते हैं। स्पॉन्सर, तो वो ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको यूके में एज अ डिपेंडेंट बुला सकते हैं? वो आपके बच्चे हो सकते हैं, चिल्ड्रन, और आप उनके पेरेंट्स, आपके बहन भाई जो जिन पे के आप फुली तौर पे डिपेंडेंट हैं। आप कैसे वीजा अप्लाई कर सकते हैं, अब आप गौर से इस वीडियो को देखिएगा। आपके स्पॉन्सर के पास या तो इनडेफिनेट लीव टू रिमेन होना चाहिए, यानी कि वो परमानेंटली यूके में सेटल्ड हैं, या कि वो ब्रिटिश सिटीजन हैं। अगर आप डिपेंडेंट्स हैं किसी ईयू फैमिली मेंबर के, तो अगर तो आप वाइफ हैं या पेरेंट्स हैं तो आप स्टिल वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी वो कैटेगरी जो कि आप एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर अपने बहन भाइयों के लिए अप्लाई करते थे, वो अभी क्लोज हो चुकी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे? इन्फॉर्मेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहले कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन होना चाहिए और आपकी डिपेंडेंसी भी जेन्युइन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास फुली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, जिससे आप, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपके पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट या जो भी आपका रिलेशनशिप बनता है उस शख्स से जिसके पास आप एज अ डिपेंडेंट जाना चाह रहे हैं यूके में, उसकी रिलेशनशिप एविडेंस आपके पास मस्ट होनी चाहिए। दूसरे ये कि आप मेडिकली एविडेंस आपके पास होगी तो वो ज्यादा बेटर होगा, कि आप मेडिकली तौर पर आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है और जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ पर कोई भी ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है या आपकी केयर इतनी एक्सपेंसिव है कि वो अफोर्ड नहीं हो सकती है। तो आपकी मेडिकल जो भी एविडेंस है वो आपने अपने एप्लीकेशन के साथ लगानी है। दूसरी है डिपेंडेंसी, कि आप उस बंदे के ऊपर जिसके साथ आप जाके यूके में रहना चाह रहे हैं, आपके बच्चे हैं या जो भी जिसके साथ आप जाके बाकी का टाइम डिपेंडेंट गुजारना चाह रहे हैं, आप उसी के ऊपर फुली डिपेंड करते हैं। आप को जो है वो फाइनेंशियल जो सोर्स जो है वो आपको उसकी तरफ से आती है, यानी कि अगर वो आपको मनी नहीं भेजेगा आपके कंट्री में आपको, तो आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ये शो करेगा कि आप फाइनेंशियली फुली डिपेंडेंट हैं उस शख्स के ऊपर जिसके साथ आप जाके यूके में रहना चाहते हैं। दूसरी ये है कि आपकी रोजमर्रा की जो भी लाइफस्टाइल है उसमें आपको फुली डिपेंडेंट हैं आप, आपको उसके लिए हेल्प चाहिए। मसलन आप अपने वॉश नहीं कर सकते, आप कुकिंग नहीं कर सकते, आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास अकेले नहीं जा सकते, यानी कि आपको फुल केयर सपोर्ट चाहिए अपनी लाइफ के रोजमर्रा के काम को अंजाम देने के लिए। स्पॉन्सर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि आपका जो स्पॉन्सर है वो, उसके लिए भी स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि वो कोई पब्लिक फंड्स ना लेता हो, यानी कि यहाँ पर रह के अगर वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से कुछ फंड्स ले रहा है तो आपका वीजा लगने के चांसेस उससे भी ज्यादा कम है, जो कि अच्छी एप्लीकेशन करने की सूरत में आपके ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए आपका जो स्पॉन्सर है वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग हो, क्योंकि उसको 5 साल तक आपको सपोर्ट भी करना है। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके स्पॉन्सर के लिए, यानी कि आपका वो बेटा बेटी जिसके पास आप जाके रहना चाह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेशन एक एक्सपेंसिव एप्लीकेशन है। आपके एप्लीकेशन की फीस अराउंड 3,250 pounds होगी। इसमें इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज शामिल नहीं है, जो कि 625 pounds पर ईयर है। तो आपको जितने अरसे का वीजा मिलेगा, 2.5 years का, तो मल्टीपल जो है ना वो उससे होंगे, 25 अराउंड आपके 1,600 pounds आपके इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होंगे अगर आप एंट्री क्लेम्स की एप्लीकेशन करके, यानी यूके के बाहर रह के एज अ डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप इनसाइड हैं यूके और किसी रीजन से आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं और आप समझते हैं कि आप यूके में रह के वीजा अप्लाई कर सकते हैं या आपको करना चाहिए, तो आपकी फीस जो है वो 1,033 होगी, जो कि और प्लस आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी देना पड़ेंगे 625 per year। आपने ये वीजा कैसे अप्लाई करना है? आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने
उस अकाउंट में अपलोड करने हैं और अपनी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उसके बाद आपने जो है वो सेंटर जाना है जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट्स होंगे और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आल दो जो होम ऑफिस ने आपको अडल्ट की यानी कि अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स की कैटेगरी जो है वो मौजूद है, लेकिन ये वीज़ा अप्लाई करना आसान है लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन करें तो आप तमाम सर्कमस्टांसिस को जो भी आपके हालात हैं उनको डिटेल्स में बयान करें, आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके लेटर्स लगाएं। इन तमाम चीज़ों को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि आप समझते हैं कि आपको क्यों एक फुल टाइम केयरर की ज़रूरत है और वो केयरर सिर्फ और सिर्फ आपका वो स्पॉन्सर जो कि यूके में मौजूद है वो ही दे सकता है। थैंक यू आपका टाइम का कि आपने टाइम निकाला और मेरी वीडियो देखी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स वीज़ा अप्लाई करने में किसी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे लिंक में दिए हुए फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और हमने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको कॉल बैक ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।